नमस्कार भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि हम एसर के लैपटॉप में विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमने विंडोज 7 की सीडी को हमने डीवीडी को इसके अंदर डालना है। उसके बाद हमने लैपटॉप को ऑन करना है। यहाँ से उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है, ऑन करना है और F1 F2 की को कंटिन्यू प्रेस करना है, या डेल की, ये बायोस में जाने के लिए होती है। इसके बाद आप देखो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नीली विंडो आ जाएगी। तो आपने देखा कि ये विंडो आपकी खुलकर आ गई है। अब आपको इसमें जाना है बूट ऑप्शन में। हम बूट पर जाएंगे। सबसे पहले हमने सीडी रूम से इसको विंडो डालनी है, तो सीडी रूम को हम फास्ट बूट डिवाइस करेंगे, सेकंड हम हार्ड डिस्क से करेंगे। तो इसमें फास्ट करेंगे तो चेंज के लिए ऑप्शन बता रहा है नीचे, F5 और F6 से आप चेंज कर सकते हैं। तो शिफ्ट के लिए आपको इसमें क्या करना है, शिफ्ट से दबाकर, जैसे हम शिफ्ट की दबाते हैं तो F6 से ये नीचे आ गया, F5 से नीचे आ गया और F6 से ऊपर आ गया। ऐसे हम इसको ऊपर करते हैं, उसके बाद हम इंटर मारेंगे और यस, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद आप देखो कि आपकी विंडो कंप्यूटर के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी, सीडी रूम से ये बूट करेगा। अब आपने देखा कि आपकी विंडो जो है सीडी रूम से बूट हो गया, बूट डिवाइस कर दिया। तो आपने इसको क्या करना है, विंडो सेटअप फाइल EMS एनेबल और इंटर मारना है। अब आपने पल मार दिया है तो अब आप कह रहे हैं कि विंडो इज लोडिंग द फाइल, तो विंडोज आपकी फाइल लोड कर रहा है। तो अभी इतने थोड़ी देर वेट करना है। तो अभी मैसेज आ रहा है विंडो स्टार्टिंग विंडोज आपकी इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद आपने वेट करना है। आप एसर के लैपटॉप में सीख रहे हैं कि हम विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है, फिर आपने कंट्री चूज़ करनी है, फिर इंग्लिश जो कीबोर्ड है आपने, फिर उसका नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने करना है इंस्टॉल नाउ। तो इसके अंदर सारी विंडोज़ हैं, तो अब इसमें हम विंडो डालेंगे 64-bit, अल्टीमेट 64-bit हम विंडो इंस्टॉल करें। और इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद हमने इसको आई एक्सेप्ट करना है और फिर हमने नेक्स्ट करना है। अब सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपका सिस्टम तो इसमें अपग्रेड करते हैं तो आपको विंडो कोई पार्टीशन नहीं बनाता, वो डायरेक्ट पार्टीशन को ले लेता है। अपग्रेड में आपका वायरस जो कभी डिलीट नहीं होता, तो आपको कस्टम चूज़ करना है, कस्टम। अब ये जितने भी पार्टीशन हम इसको फ्रेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस सारे को फॉर्मेट मारेंगे, डिलीट करेंगे, इसको टिक किया, फिर हम इस पर गए डिलीट पर, तो सारे डिलीट करेंगे। तो इसमें आप सीख रहे हैं कि हम कैसे पार्टीशन को डिलीट कर रहे हैं और साथ में कैसे हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं। फिर डिलीट कर दिया, एक पार्टीशन अभी रह गया। बारी बारी से हम एक एक पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करते जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि इसमें सारे ही पार्टीशन अब डिलीट हो चुके हैं, एक रह गया था, ये डिलीट कर दिया, तो एक पार्टीशन और रह गया इसमें, अब इसको भी हमने डिलीट कर दिया। तो आपने देखा कि अब आ गया डिस्क अनलोकेटेड डीप स्पेस, ये 500 GB की हार्ड डिस्क है। तो हमने अब जाना है न्यू के ऊपर नीचे। अब इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं है, कुछ दिख रहा होता है जो ऐसे और कुछ आता तो पार्टीशन होता, तो
तो न्यू पर टिक करेंगे। सबसे पहले हम पार्टीशन इसमें डालेंगे, अगर 400 GB है तो हमने इसमें डाल दिया 1,00,000 MB, तो फिर अप्लाई कर दिया, ये हमारा पहला पार्टीशन क्रिएट हो गया 1,00,000 MB का। एक इस ये हो गया आपका 100 GB का पहला पार्टीशन। उसके बाद हमने फिर नीचे पर टिक करना है एलोकेटेड स्पेस पर, उसके बाद हमने न्यू करना है। फिर हमने इसका आधा कर दिया, इसको ये 400 है तो हमने इसको 150 कर दिया, 1,50,000। अप्लाई, और फिर इसके ऊपर जो नीचे है एलोकेटर, ये जैसे आ रहा है तो इसको हमने न्यू किया और फिर इसको अप्लाई कर दिया। इसका आप एक और बना सकते हो बनाना चाहो तो, मैंने 3 पार्टीशन बनाए 500 के। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा सी ड्राइव कौन है। सी ड्राइव हमारा सेकंड है, डी थर्ड है, और एफ जो है फोर्थ है। तो हमने सी के अंदर विंडो है, सी होता है सेकंड, तो सेकंड को हमने वो किया, इसको हमने सेलेक्ट करना है, फिर इसको हमने यहाँ से फॉर्मेट करना है और फिर ओके। और फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट। ये हमारा जैसे हमारा जैसे सिलेक्ट है, इसको हमने फिर नेक्स्ट करना है यहाँ से। अब आप देखो कि आपकी विंडो जो है इंस्टॉल होने स्टार्ट होगी। तो अभी आपने इसमें पार्टीशन को भी डिलीट किया और क्रिएट भी किया है, तो अब अभी आप 15-20 मिनट वेट करोगे तब तक विंडो इंस्टॉल होगी। हाँ भाई और बहनों, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने इसका डेट और टाइम सेट करना है, उसके बाद आपने फिर इसका यूज़र नेम डालना है और फिर इसको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद ये पूरी विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी। वो कंप्लीट होने के बाद आप इसका जो मर्जी फिर इसमें आप स्टार्ट करोगे। इसके बाद आपने कोई भी इसमें क्लिक नहीं करना है, ये एक बार स्टार्ट होगा दो बार स्टार्ट होता है, आपने कोई F1 F2 नहीं दबाना है, कोई प्रेस नहीं करना है, इसको ऑटोमेटिक चलना है जैसे ये चलता है। ये जो जो आपसे पूछता है वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसे हम लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर विंडो डालते हैं। आज आपने इस वीडियो में सीखा कि हमने एसर के लैपटॉप के अंदर कैसे विंडो डालते हैं। पहले हमने F1 F2 की प्रेस कंटिन्यू करनी है, उसके बाद हमने DVD से बूट करना है, तो उसके लिए हमें बूट ऑप्शन में जाना पड़ता है। बूट में जाकर हमें CD-ROM फर्स्ट करना है, सेकेंड हार्ड डिस्क करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।